वेलकम गाइस टू द यूट्यूब चैनल एसए मीन सक्सेस। मैं रवि जांगड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। देखिए भाई, हमारी जो इंग्लिश की क्लास शुरू रखी है उसमें हमने जो लास्ट लेक्चर है उसमें हमने एडजेक्टिव का टॉपिक करा था, ठीक है। और ठीक है, एडजेक्टिव आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गया, मुझे जो रिव्यू मिला उससे पता चल गया, ठीक है। तो अब मुझे आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बतानी है कि बच्चे कह रहे थे कि सर प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, तो उसकी मैं एक क्लास लेने वाला हूँ बच्चों, उसकी आप कोई चिंता ना करें, ठीक है। फिलहाल बेसिक कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। वन बाय वन हमारे जो टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करते चल रहे हैं, ठीक है। फिर एक सेपरेट क्वेश्चंस वाली क्लास भी होगी, ओके, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। आगे चलते हैं। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि ओ ऑब्वियस इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, कि ये नाउन है कि एडजेक्टिव है, ठीक है। मैंने ये कल पूछा था, तो ऑब्वियस जो है एक एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि इसके वर्ड के लास्ट में आई ओ यू एस है, ठीक है। वर्ड के लास्ट में जब भी कोई वर्ड आई ओ यू एस ऐसे करके ख़त्म होता है तो वो आपका एडजेक्टिव होता है। ये आप ध्यान में रखिए कि वो आपका क्या होता है, एडजेक्टिव। ओ बी वी आई ओ यू एस जो लिखा हुआ है आई ओ यू एस, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओके। ये तो हो गई कल के होमवर्क की बात। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की, कि आज हमें क्या पढ़ना है। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है एडवर्ब, ठीक है। आज के टॉपिक का क्या नाम है, एडवर्ब, ठीक है। और इसी के साथ ही आज की जो लास्ट में मैं आपको जो है एडजेक्टिव पहचानने की ट्रिक भी देने वाला हूँ। मैंने कल आपको बोला था कि मैं कल आपको एक ट्रिक दूंगा जिससे आप एडजेक्टिव पहचान पाओगे, ओके। तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्या ट्रिक है। तो उससे पहले हम आज का टॉपिक कवर कर लेते हैं। आज के टॉपिक का नाम है एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब क्या होता है, देखो मैंने आपको कल बताया भी था कि नाउन प्रोनाउन एंड देन एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन को जो मॉडिफाई कर दे वो आपका होता है एडजेक्टिव, ठीक। वो आपका क्या है, एडजेक्टिव। एडवर्ब का काम क्या है, वो आपके एडजेक्टिव और वर्ब दोनों को मॉडिफाई करता है, ठीक है। एडवर्ब क्या करता है, एडजेक्टिव और आपकी वर्ब दोनों को मॉडिफाई करता है, यानी उसको कंप्लीट सेंस अगर कोई प्रोवाइड करता है तो वो आपकी एडवर्ब है, ओके। वो आपकी क्या है, एडवर्ब, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, इसका यूज कैसे होता है। हमारे पास कोई भी सेंटेंस दिया होगा तो सेंटेंस में अगर आपको वर्ब दिख रही है ना, तो उस वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए वहाँ पर एडवर्ब की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। वहाँ पर सेंटेंस में एडवर्ब भी होना चाहिए। अगर वहाँ पर एडवर्ब नहीं है तो हमारा जो सेंटेंस है वो आपका अनकम्प्लीट माना जाता है, कि वो सेंटेंस जो है वो प्रॉपर सेंस हमें नहीं दे रहा है, ठीक है। वो सेंटेंस प्रॉपर सेंस नहीं दे रहा है, ठीक है, उसको हम अनकम्प्लीट मानते हैं, ठीक है। एडवर्ब की रिक्वायरमेंट वहाँ पर है, ठीक है, उसको कंप्लीट हमें उसके सेंस से बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर हुई बात। आगे चलो ये मीनिंग के बात कर लेते हैं कि एडवर्ब होता क्या है, व्हाट द मीनिंग ऑफ एडवर्ब। देखिए एडवर्ब इट इज यूज टू डिस्क्राइब ए वर्ब एन एडजेक्टिव और एन अनदर एडवर्ब। अभी मैंने बताया आपको यही बात कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो एक वर्ब को डिस्क्राइब करता है या एक एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है या किसी अनदर एडवर्ब को भी ये डिस्क्राइब कर सकता है, ठीक है। तो इसका काम ये है कि ये आपकी वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब तीनों को ही मॉडिफाई करता है, उसको डिस्क्राइब करता है, उसके फीचर्स को, ठीक है। वो सेंटेंस में किस प्रकार से जो है वो यूज हो रखा है वो हमें एडवर्ब से पता लगता है, ठीक है। आगे चलिए इसके एग्जांपल देख लो। ये आपकी जितनी भी
वर्ड दिए हैं ये सारे के सारे एडवर्ब के एग्जांपल हैं, जैसे वेरी, रियली, टोमैरो, इनफ, हाउएवर, ऑलवेज, नेवर, स्लोली। ठीक है, ये सारे जो आपके वर्डिंग दे रखी हैं वो सारे के सारे क्या हैं बच्चों? एडवर्ब हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? एडवर्ब। ध्यान में रखिएगा, जैसे वेरी है कि कोई गुड है, कोई अच्छा है, तो वो वेरी गुड है, हम कहते हैं ना वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो गुड तो है लेकिन वेरी गुड है, वेरी इसमें क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ठीक है, रियली यानी कि रियलिटी है भाई कोई चीज़ की, कि ये रियली गुड है, वास्तविकता है किसी चीज़ की, तो वो एडवर्ब है, है ना। टोमैरो है यानी कि कोई वर्ब हुई है, तो वो कल होगी या यस्टरडे होगी। ठीक है, या यस्टरडे हुई है या टोमैरो में होगी, तो हमें पता लग गया ना इससे। इनफ, इनफ भी आपका क्या है? एडवर्ब ही है। हाउएवर एक रीज़न बताता है, दो सेंटेंस में अपोज करता है। ऑलवेज, ठीक है, नेवर या आपका स्लोली। ठीक है, कुछ एक ऐसे वर्ड मैंने आपको बताए जो आपके एडवर्ब का काम कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे मैंने लिखा ही राइट फास्ट, वह लिखता है, ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया, ही राइट लेकिन फास्ट लिखता है। राइट तो कर रहा है लेकिन कैसे कर रहा है? फास्ट कर रहा है, फास्टली कर रहा है। ठीक है, तो फास्ट इसमें क्या हो गया? एडवर्ब होगी। ठीक है, क्या हो गई? एडवर्ब। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? सी लुक्स रियली ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर दिखती है। ब्यूटीफुल तो है लेकिन कैसे है, मतलब इसकी तारीफ अच्छी करी गई है, यानी कि सिर्फ ऐसे ही नहीं कह दिया कि ब्यूटीफुल है, रियली में ब्यूटीफुल है, रियल में ब्यूटीफुल है, वास्तविकता में है। ठीक है, मजाक में नहीं कह दिया कि वो ज़्यादा सुंदर है वो। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, समझ आ रही है बात कि मैं कैसे आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ कि सेंटेंस इसके कैसे यूज होते हैं। ये आपका फिलर बेस्ड क्वेश्चन बनता है एडवर्ब से। ठीक है, या पार्ट ऑफ स्पीच बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। ओके, तो आपको यह इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखनी है चीज़ें। ठीक है, इसलिए मैं कंसाइज रूप में आपको बताता चल रहा हूँ कि आपने इस टॉपिक से क्या क्या करना है। ठीक है, ओके भाई, क्वेश्चन से फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उसकी क्लास भी हमारी होगी। ठीक, आगे चलिए। आई विल कम टुमारो, आई विल कम टुमारो, मैं कब आऊँगा? टुमारो, कल आऊँगा। ठीक है, आने वाले कल में आऊँगा। आई नेवर गो टू बीच, नेवर, ठीक है, नेवर यहाँ पर एडवर्ब है, बीच पे गया, अगर नेवर हटा दिया जाए तो वो एक अनकम्प्लीट सेंस देता है, है ना, इनकम्प्लीट सेंस हो गया ना, फिर तो ये पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा कि आई गो टू बीच, मैं बीच पर गया, नेवर लिखा ना, इस वजह से पता लगा कि वो कभी भी नहीं गया है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपके सेंटेंस होते हैं। ठीक है, समझ आ रही है आपको कि क्या हम कर रहे हैं एडवर्ब में? ठीक है, बहुत ही सिंपल और इजी टॉपिक है, ये सबसे आसान होता है पार्ट ऑफ स्पीच में। चलिए भाई, ओके भाई, तो सेंटेंस आपके समझ आ गए, आगे चलिए। अब हम टाइप्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, या टाइप्स नहीं मैं कहूँगा, ये आपके मैनर्स हैं। ठीक है, मैनर्स यानी कि तरीके हैं, किस तरीके से आप एडवर्ब को सेंटेंस में यूज़ करते हैं, सेंटेंस में उसका यूज़ किया जाएगा, वो कैसे किया जाएगा वो इसमें देखेंगे। सबसे पहले है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी कि कितनी टाइम्स वो यूज हो रखा है, यानी हमें कहीं पर ये बताना है कि वो इतनी बार ये काम हुआ, इतनी बार जो है वो ये हुआ। ठीक है, कोई भी वर्ब या कोई एडजेक्टिव उसका टाइम बताना है, टाइम इन द सेंस कि वो कितनी बार हुआ है, हाउ मैनी टाइम, ऐसे। तो वहाँ पर ये वाले जो वर्ड हैं वो यूज होंगे एज अ एडवर्ब, जैसे ऑलवेज, नेवर, एवर, ओफन, यूजुअली या रेयरली। ये आपका बता रहा है ना मैनर कि वो कितनी बार हुआ है, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, या मच यानी ज़्यादा है, कम है या ज़्यादा है। ठीक है, कोई भी जो वर्ब हो रखी है वो कितनी बार यूज हो रखी है। ठीक है, जैसे वह खेलता है तो ही ओपन प्लेइंग, कि वह रेगुलर बेसिस पे खेलता है, है ना, ही ओपन प्ले। या ही रीड्स यूजुअली, वह यूजुअली जो है वो रीडिंग ही करती रहती है या करता रहता है, इस तरह से आपने ध्यान में रखना है।
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। थोड़े और एग्जांपल देखें भाई। आई ओफन गो टू द बीच, यह भी बताया था मैंने कि वह रेगुलर बेसिस पे जो है वो बीच पे जाने की इच्छा रखता है। ओफन मतलब उसका मन है कि वो जाए, ओफन। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। आई यूजुअली स्टॉप ऑनलाइन, सो स्टॉप नहीं है बच्चों, ये सोप है, SHOP, गलत हो गया थोड़ा सा। सोप ऑनलाइन यानी कि वो यूजुअली जो है वो ऑनलाइन ही शॉप करता है। मैं जो है ऑनलाइन शॉप करता है, आई जो है वो यूजुअली क्या करता है, ऑनलाइन शॉपिंग करता है। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ईजी है। एक बार आपने इन वर्ड को ध्यान में रख लिया तो आप इसको ईजीली सेंटेंस में यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, ऑलवेज, नेवर, एवर, ओफन, यूजुअली और रेयरली। ये आपके सारी एडवर्ब कौन सी हैं, फ्रीक्वेंसी की, जो हमें बताती है कि कोई काम कितनी टाइम्स जो है वो हुआ। ओके भाई, आगे चलिए। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर यानी कि तरीका, किस तरीके से हुआ, किस स्पीड से हुआ। ओके, स्पीड की बात आ जाएगी कि वो काम करने में हमें खुशी मिली कि नहीं मिली, हम जो वो क्रिया कर रहे हैं वो अच्छे से हो पाई कि नहीं हो पाई। ओके, वो आपका मैनर हो जाएगा। जैसे स्लोली, क्विकली, ईजीली, हैप्पीली और पीसफुली, ये थोड़े से एग्जांपल हैं। मैनर में क्या बताएगी कि वो काम हमने कितने अच्छे से किया है। ठीक है, कैसे किया, उसको काम को करने में हमें खुशी मिली, या कोई भी मतलब कोई भी हम काम करते हैं तो वह या तो फास्टली करते हैं, स्लोली करते हैं, तो किसी ना किसी मैनर में करते हैं ना। हम कहते हैं कि वो पर्सन है, वो स्लो है, स्लो चलता है। ठीक है, वो काम तो कर रहा है लेकिन स्लो मैनर में कर रहा है, या वो रनर है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट रनर है। ठीक है, तो ये मैनर हो गया। ठीक है, मैनर्स हैं कि वो किस तरीके से या किस वे में उस क्रिया को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, सी इट्स स्लोली, वह खाना खाती है लेकिन कैसे, स्लोली, मतलब स्लो स्लो खाना खाती है। ठीक है, समझ आ रही है बात की मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दे लिव हैप्पीली, वो जी तो रहे हैं, रह तो रहे हैं लेकिन कैसे रह रहे हैं, हैप्पीली रह रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश में खुश है। ठीक है, हैप्पीनेस है उनके परिवार में, फैमिली में, इस तरह से भी। ठीक है, ये हो गई एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट चलिए, एडवर्ब ऑफ डिग्री। हाँ जी भाई, डिग्री क्या होती है, डिग्री, इट्स नॉट अ ग्रेजुएशन डिग्री बच्चों, ये ग्रेजुएशन डिग्री की बात नहीं हो रखी। डिग्री होता है मेजरमेंट यूनिट, किस तरह से आप मेजर कर रहे हो किसी चीज़ को, मेजरमेंट यूनिट आपकी। ओके, जैसे वर्ब, जस्ट, ऑलमोस्ट, टू, एक्सट्रीमली या क्वाइट। ठीक है, कि जो आपने वर्ब करी है उसमें आप मेजरमेंट कर रहे हो कि वो कितने यूनिट में करी गई, यानी वो कैसे की गई। मैनर नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर मेजरमेंट की बात होगी। जैसे आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। ठीक है, वेरी वेरी एक मेजरमेंट है, मतलब पूरा पक्का ही है। वेरी श्योर, वेरी श्योर क्या दिखा रहा है कि पक्का ही श्योर है, नहीं है भाई। ठीक है, अगर वेरी हटा दिया जाए तो सिर्फ श्योर भी लिख सकते थे, लेकिन वेरी लिख के उसने बताया कि वो पक्का श्योर नहीं है। ठीक है, डिग्री है, मेजरमेंट्स है। ठीक है, से इस एक्सट्रीमली सैड, एक्सट्रीमली बहुत ज़रूरत से ज़्यादा उदास होना। एक्सट्रीमली क्या होता है, एक्सेस। ठीक है, एक्सेस के लिए यूज़ करते हैं, किसी भी एक्सट्रीम के लिए, ज़्यादा मात्रा में। ठीक, से एक्सट्रीमली सैड, वह बहुत ज़्यादा उदास थी। ठीक है भी, क्लियर होती जा रही हैं बातें, अगर ना क्लियर हो तो मुझे बता भी देना। एडवर्ब ऑफ डिग्री में मैंने सिर्फ आपको मेजरमेंट करना बताया कि वर्ब को हम मेजर कर सकते हैं कि किस तरह से वो काम होगा। ओके, एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस की कौन सी एडवर्ब है, यानी कि जगह क्यों, जहां हमें प्लेस को मॉडिफाई करना है उसके लिए हम कौन कौन सी एडवर्ब यूज़ कर सकते हैं, तो वो ये सारी हैं। कौन कौन सी हैं देख लो, अवे, बिहाइंड, इन, डाउन, आउट, एवरीवेयर, आउटसाइड। ठीक है, ये सारी की सारी जो एडवर्ब्स हैं वो प्लेस के लिए यूज हो सकती हैं, इनको ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो, सी हैज़ गोन आउटसाइड, वह गई कहाँ पर, आउटसाइड बाहर की तरफ। अब गई है तो बाहर जाएगी ना, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। आउटसाइड से हमें सिर्फ यही पता लगा कि वो कहीं बाहर गई है, ये नहीं पता लगा कि कहाँ पर गई है। प्लेस तो पता लग गया, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता लगा कि प्रॉपर क्या है। दैट इज़ द एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी यहाँ पर हमें जो सिर्फ काम हो रखा है वो सिर्फ इतना है वर्ब के बारे में ये बताना कि वो वर्ब कहाँ पर जाकर परफॉर्म हो रही है, ठीक है, कहाँ पर जाकर परफॉर्म हो रही है। गोन एक वर्ब है, ठीक है। आई हैव चेकड एवरीवेयर, मैंने चेक कर लिया है कहाँ कहाँ पर, एवरीवेयर सारी जगह पर कर लिया, मतलब जहाँ आपको प्लेस का सेंस देना है ना सेंटेंस में, तो आप इस तरह की एडवर्ब यूज़ कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। अवे, बिहाइंड, इन, डाउन, आउट, एवरीवेयर, आउटसाइड, ठीक है, इनसाइड भी आपका आ सकता है इसमें, तो ये ध्यान रखिएगा भाई, एडवर्ब ऑफ प्लेस आपकी है। आगे चलिए, नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम की एडवर्ब है, यानी कि वो परफॉर्म कब हुआ, ठीक है, उसका क्या टाइमिंग था, किस टाइम पे वो वर्ब जो है वो परफॉर्म हुई है, वो आपकी एडवर्ब ऑफ टाइम में आ जाती है। जैसे सून, नाउ, टुमारो, यस्टरडे, ऑलरेडी, ये सारी आपकी टाइम से रिलेटेड हैं कि वो काम अभी हुआ है, कल हुआ था या कल होगा, ठीक है, लास्ट मंथ में हुआ, अगले साल होगा, ठीक है, कौन से ईयर में होगा, कौन सी डेट को होगा, मतलब जो ये सारी बातों के जवाब देती है वो आपकी एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, टाइम को बताता है, ठीक है। सून, नाउ, टुमारो, यस्टरडे, ऑलरेडी, ये सब। जैसे ही विल बी हेयर सून, वो यहाँ आ जाएगा बहुत जल्दी, सून बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी से इसको रिलेट करते चलो ना, कि हम कह देते हैं कि वो बहुत जल्दी जाएगा, अगर आपको सेंटेंस का मीनिंग पता है तो आप उसको इजीली समझ पाओगे। ही विल बी हेयर सून, वो बहुत जल्दी यहाँ पर आ जाएगा। नाउ यू डू इट, अब आप जो है इस काम को कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह के कुछ वर्ड हो गए, तो समझ आ रही है, एडवर्ब ऑफ द टाइम ये होता है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। आगे चलते हैं, भाई यही था हमारा एडवर्ब का, एडवर्ब में इतना ही पढ़ना था। अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की, जो हमने करना था, हाउ टू सॉल्व एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को फाइंड करने की क्या ट्रिक है, तो वो देख लो एक बार। हाउ टू फाइंड वर्ड इन एडजेक्टिव एट द एंड ऑफ वर्ड, सिर्फ यही ध्यान रखना, जैसे मैंने नाउन के बारे में आपको बताया था वैसे ही एडजेक्टिव में है, आपने वर्ड देखना है, वर्ड के लास्ट के दो तीन शब्द देखने हैं, उसमें ये देखना है कि ये क्या ये वर्ड इससे एंड हो रखा है कि नहीं हो रखा है, वही आपका एडजेक्टिव होता है। देखो, अगर कोई भी वर्ड ओ यू एस ऐसे करके एंड हो रख तो वह आपका एडजेक्टिव है, जैसे लेबोरियस, करेजियस, ठीक है, लेबोरियस और करेजियस, ओ यू एस से कोई वर्ड एंड होता है तो एडजेक्टिव होगा। फुल, एफ़ यू डबल एल, फुल करके आपका जो है वो वर्ड एंड होता है तो आपका एडजेक्टिव है। होपफुल, पीसफुल, ठीक है। आगे लेस, लेस करके कोई एंड होता है वर्ड वो भी आपका एडजेक्टिव है। होपलेस, होमलेस, ठीक है। ए एन टी या ई एन टी करके आपका कोई वर्ड एंड हो रहा है तो वो आपका एडजेक्टिव है, जैसे इम्पोर्टेंट, ए एन टी है ना लास्ट में, इंटेलिजेंट में ई एन टी है, ठीक है। सम, सम करके कोई एंड होता है, हैंडसम, फियरसम, ओके। ए एल करके एंड हो रहा है, जैसे लॉजिकल, इकोनॉमिकल, या आई सी करके एंड हो रहा है, इकोनॉमिक, हिस्टोरिक, ठीक है। ए बी एल ई लिखा हुआ है लास्ट में, वैल्यूएबल, टॉलरेबल, या आई बी एल ई करके एंड हो रहा है, विजिबल और एलिजिबल, ओके भाई। तो ये आपकी थोड़ी सी ट्रिक थी कि एडजेक्टिव कैसे पहचानते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा, ओके। एंड नाउ द टाइम टू गिव यू होमवर्क, आपको होमवर्क का क्वेश्चन देने का टाइम आ गया है, तो होमवर्क के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आप मुझे बताओगे
पार्ट ऑफ स्पीच, ऑब्वियसली पार्ट ऑफ स्पीच का ही क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे। एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, और एक कंटिंजेंट, दोनों में क्या फ़र्क है? एग्रीमेंट और कंटिंजेंट, इन दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच आप मुझे कमेंट में लिख के बताओगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही पोर्शन हमें कवर करना था, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो एक लाइक करके जाएंगे और शेयर कर देंगे वीडियो को, और अगर चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। एंड जो स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो रखा है वो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाए, ठीक है भाई। तो वहाँ से आप अपनी जो है वो डाउट्स भी मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।